चारों कार्ड आने वाले टाइम के लिए आपके क्या मैसेज दे रहे हैं आपके लिए, चलिए देख लेते हैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए चारों की क्या एनर्जी है, क्या आंसर है। ओके, आप जो जैसा सोच रहे हैं, थोड़ा सा निराशा के माहौल में आप हैं, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। चारों तो कह रहे हैं कि आगे अवसर आपके पास आएंगे, सेलिब्रेशन भी आपके पास आएगा, विक्ट्री भी आपकी होगी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सुन के चलने की ज़रूरत है, लोगों से सलाह लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो कार्ड ने एनर्जी शो की है उसमें आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनके लिए कार्ड्स कह रहे हैं कि अपने निराशा को आपको छोड़ना होगा। आपके अंदर जो निराशा का भाव है, जो भी परेशानियां हैं, उनसे आपको बाहर निकलना ही होगा, तभी आपके पास कोई नए अवसर आएंगे, कोई नई जीत आपको मिलेगी। भगवान की तरफ से तो आपके पास ब्लेसिंग्स आ रही है, वो आपको ब्लेस दे रहे हैं, लेकिन आपको देखना होगा, आपको थोड़ा सा समझना होगा, अपने आसपास थोड़ी चीज़ों पे नज़र डालिए कि आपके आसपास ऐसा क्या है जिनका आप इस्तेमाल करके सफल हो सकते हैं। टैरो की एनर्जी यही है कि सफलता आपके पास है, आपके लिए है। आगे हम देख लेते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, एंजल्स की तरफ से क्या आंसर आते हैं आपके सवालों के लिए, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, एंजल्स बोल रहे हैं वेट, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए और उसके बाद में रोमांच के दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं। और जो ये समय है, इस समय से भी बेहतर समय आने वाला है। इफ़ यू बिलीव, यदि आप विश्वास करते हैं तो, यदि आप एंजल्स पे विश्वास करते हैं, यदि आप भगवान पे विश्वास करते हैं, यदि आप अपने बड़ों पे, अपने गुरुजनों पे यदि आप विश्वास करते हैं, तो आज जो समय है, कल जो आएगा वो आज से बेहतर होगा, उससे बेटर होगा।